आज बात होने वाली है कांवड़ यात्रा की और बात होगी कांवड़ यात्रा पे हो रही सियासत की, कांवड़ यात्रा पे हो रही राजनीति की। मान ना मान बताना पड़ेगा नाम, लेकिन नाम बताने में परेशानी क्या है ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। नाम ही तो पूछा है, धर्म के बारे में तो नहीं पूछा गया है, इसके अलावा दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सियासतदानों को क्यों परेशानी हो रही है। विपक्ष बौखला गया है, इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है और उससे देखा जा रहा है। वहीं कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकान संचालकों के नाम सार्वजनिक रूप से लिखने के आदेश दिए हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, नाम ही तो पूछा है, धर्म नहीं पूछा है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ रूट तैयार किए गए हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी है। भक्ति का महीना विशेष महीना माना जाता है, आस्था का ये पर्व है और महादेव का जलाभिषेक भी किया जाता है। तो कल यानी कि 22 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। पहला सोमवार सावन का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है शिव भक्तों के लिए। जल लेकर निकलेंगे कांवड़िए और कल जलाभिषेक भी करेंगे। जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत की तैयारी भी होगी। कांवड़ मार्गों की दुकानों पर नाम लिखना जरूरी है। यूपी उत्तराखंड के बाद अब इसका असर मध्य प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसको लेकर मांग की जा रही है वो वहां पर भी की जा रही है। एमपी में योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इस फैसले का समर्थन है और स्वागत किया जा रहा है। अगर वाराणसी की बात की जाए तो कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये आज एक बड़ा निर्देश दे दिया गया है और कह दिया गया है कि मांस और मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हर की पौड़ी की बात करें तो कांवड़ियों ने योगी और धामी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस फैसले का स्वागत किया है। इस पर हमारी सहयोगी अनामिका की एक रिपोर्ट देखिए। दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं, जो ओरिजिनल नाम होगा बताना पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? उसमें और कुछ नहीं है, दुकानों को नाम बदलो, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो और कास्ट अदर कास्ट है वो तरह तरह का भोजन खिला देती है या कुछ भी ऐसा कुछ कर देती है, जिस वजह से ऐसा हुआ। हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने किया है, दुकानदार से हिंदू तो हिंदू नाम लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, इसलिए प्रशासन बहुत अच्छी कृपा चल रही है कांवड़ियान के ऊपर। जो मुस्लिम थे वो हिंदू बता देते थे, ये सब पहले करते थे, अब सुधा भी थोड़ी सही कर दी मोदी ने। सही बात है, उन्होंने कहा है जो कि दुकानों पे अपना नाम वगैरह लिखना है वो कांवड़ियों के लिए अच्छा है कि वो उनको पता चलेगा कि ये अपने हम इतनी दूर से कांवड़ लेके जाए, अगर हमें कुछ खंडित होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है या हमारे धर्म के, तो जो धामी सरकार ने वो फैसला किया वो बहुत अच्छा है। आप लोग दुकानों पे जा रहे खाना खाने के लिए? अभी फिलहाल नहीं है, फिलहाल शिविर पे रुकेंगे, अगर शिविर नहीं मिला है तो देखेंगे। बढ़िया बात है, क्यों बीच में कोई शरारती तत्व होता है, बीच में आ जाता, हमने इतनी दूर से अपने कर्म से लेके जानी है, खंडित हो जाए तो हमारा तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए बड़ी बात, गलत बात तो नहीं है, नाम लिखना कोई गलत बात है? जो तुम मुसलमान जो मैं हिंदू तो गलत बात थोड़ा। ये हकीकत सामने आनी चाहिए, अगर मेरा नाम जैसे हूँ मैं गोत तो अपना होना ही चाहिए सामने, अगर मैं सामने कुछ और बता रहा हूँ अंदर हो रहा हो तो गलत बात है ना। नाम हिंदू बता रहे हैं बट है मुस्लिम है, बट वो बहुत गलत चीज़ है, उसमें पता नहीं क्या मिक्स करके खिला रहे हैं, ये सामने आना चाहिए, नाम चेंज करवाना चाहिए इनका, जो है हकीकत में है वही रहना चाहिए। महाकाल के नाम पे ये मुस्लिम जब पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो उसमें कोई बाबर आएगा, कोई वो आएगा, मोहम्मद आएगा, वो चीज़ बड़ी गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। डाबा चलाना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, डाबा चलाओ, पर हकीकत तो बताओ आपका नाम क्या है, ये बात से दिक्कत है। हाँ फेक मत करो, आपके ऊपर तय करना आपको कि आपको खाना चाहते कि नहीं खाना, वो हमारे ऊपर है, कोई भी खा सकता है, जो रोजगार है वो सभी का है, पर ये नहीं और कुछ और बता रहे हैं बाहर अंदर हो है, वो गलत बात है। तो सुना आपने, इन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये आस्था का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है और इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, साफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मसला कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो चाहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों पे से नफरती चश्मा हटता नहीं है,
बात मौलाना अरशद मदनी की करते हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर, नेम प्लेट मामले पर अपना नफरती बयान एक बार फिर से दिया है और प्रतिक्रिया दी है धर्म से जोड़ते हुए। क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नफरत का चश्मा पहनने की पुरानी आदत है, इसलिए तो फैसला चाहे कोई हो, मौलाना अरशद अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रम फैलाने में आगे रहते हैं। एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूर मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले को राजनीति का नया खेल बता रहे हैं। मौलाना मदनी इस फैसले को अपने धार्मिक चश्मे से देखकर भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बता रहे हैं, लेकिन जरा कोई पूछे मौलाना साहब से कि क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के लिए किया गया है, अगर नहीं तो भेदभाव कैसे हुआ। जो मौलाना मदनी खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने में जुटे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं वो खुद योगी के फैसले के साथ हैं। फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह से इस तरह की चीज़ें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। लेकिन लगता है मदनी साहब ने ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा, इसलिए अब अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाई, जिसमें मौलाना साहब फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि जब फैसला किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं लिया गया, तो अकेले मौलाना अरशद मदनी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों वो ऐसे बयान देकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को धार्मिक फरमान बताकर आग गाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, अब इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं, और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं है।